वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के डे नंबर 15 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। जो डर गया समझो अपने घर गया। जिनको लग रहा है कि हाउसफुल 4 की जो पार्टी है वो खत्म हो चुकी है, पार्टी विट्टी हो गई क्या, वो ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। हाउसफुल 4 का जो शो काउंट आया है मेरे पास खतरनाक, मुझे लगा था खत्म हो जाएगी पिक्चर। द शो इज ऑन, हाउसफुल इज ऑन। हाँ, आज बहुत कम कलेक्शन आएगा लेकिन सैटरडे संडे फिल्म पिकअप लेगी। मिशन ये है कि मिशन मंगल को बीट करना है, दूसरा मिशन ये है कि 220 करोड़ कमाना है, बस उसके बाद जो होना है वो देखा जाएगा। ये फिलहाल दो मिशन है इस फिल्म के सामने जो कि आने वाले दिनों में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का एपिसोड जरा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सुबह मैंने जरा फुटबॉल में मैथमेटिक्स तरह वो हो गया, क्या है ना, आनंद कुमार से ट्यूशन नहीं लिया ना मैथ्स का, इसलिए गड़बड़ हो गया। फुटफॉल्स ऑफ हाउसफुल 4 फॉर 14 डेज इज 1 करोड़ 9 लाख, नॉट 99 लाख। ओके, तो 1 करोड़ 9 लाख लोगों ने टिकटें खरीदी इसकी 14 दिनों में। बात करें गाइस, अभी वीक 3 में 1225 स्क्रीन्स है इसके पास, 1225 टू वेरी प्रिसाइज। कल और ऐड होंगे, वो जैसे जैसे होंगे हर एपिसोड में तुम लोग को बताते जाऊंगा। बात करें गाइस अब तक के टोटल की, तो 189.73 2.0 का रिकॉर्ड तोड़ के बैठी है पिक्चर। अब बात करें, मॉर्निंग पुअर था, 5% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म तीसरे हफ्ते में है, 3 नई फिल्में हैं, पिछले हफ्ते की भी 2 फिल्में हैं, ऑक्यूपेंसी इतना ही आने वाली थी। आफ्टरनून भी सिर्फ 8 से 9 रहा, शाम को वापस से ऑडियंस आई, 12 से 13% की ऑक्यूपेंसी थी एंड रात को अभी 15% की ऑक्यूपेंसी लेकर ये फिल्म चल रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाइस, दिल्ली एनसीआर में 547 शोज थे लास्ट वीक में, अभी 330 शोज है, यानी कि शोज अच्छे खासे दिए, शोज में गिरावट नहीं हुई है, उसमें 17% की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई लास्ट वीक वॉज 552 शोज, इस हफ्ते 350 शोज है, यानी कि तगड़े शोज है, अच्छी खासी कमाई करने के लिए तगड़े शोज है। 14% की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रही थी। पुणे लास्ट वीक वॉज 209, अब 127 है, 12% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु लास्ट वीक सिर्फ 101 स्क्रीन शोज थे, अभी 69 शोज है, 30% की ऑक्यूपेंसी, जो काफी अच्छा है। कोलकाता में लास्ट वीक 160 शोज थे, आज 100 शोज है, 31% की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद लास्ट वीक हैड अ गुड शो काउंट, लेकिन अभी फिलहाल और अच्छा हो गया है, 144 शोज है एंड 22% की ऑक्यूपेंसी है। सूरत लास्ट वीक 176 शोज थे, अभी 130 शोज है, यानी कि सूरत अहमदाबाद में ज्यादा शोज नहीं गिरे हैं एंड सूरत में जो ऑक्यूपेंसी है वो 19% की ऑक्यूपेंसी है। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में लास्ट वीक 170 शोज थे, अभी 90 शोज में 38% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि जो स्ट्रांग ग्रिप है फिल्म की वो बरकरार है, यानी कि इतने खराब रिव्यूज लेकर ये शायद वो पहली पिक्चर होगी जो 200 करोड़ मारने वाली है। सीरियसली ऐसी रिव्यूज लेकर फिल्में गिर जाती है, मर जाती है, 100 करोड़ भी पार नहीं करती, कुछ 150 करोड़ पे लुढ़क जाती है, लेकिन ये फिल्म ने 200 करोड़ किया, तो इसको तो दाद देनी पड़ेगी। इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर हाउसफुल 4 ऑन इट्स डे 15 इज 1.75 करोड़ से लेके 2 करोड़ रुपए। अगर बोलोगे इतना कम क्यों दिया मेरा भाई, तो भाई थर्सडे 3.15 करोड़ था, ऑलमोस्ट 2200 स्क्रीन पे, स्क्रीन 1000 कम हो गए, टिकट के भाव ब्लॉकबस्टर प्राइसेस नहीं है, इससे भी नीचे गिरेगा, लेकिन आई एम बीइंग पॉजिटिव, मैं 2 करोड़ तक का प्रेडिक्शन दे रहा हूं। अगर कल हो जाता है तो 191.73 करोड़ तक ये जा सकता है, ऑफिशियल फिगर तो आने वाला है नहीं, लोग मंडे को ही देने वाले हैं। अब बात करें गाइस सैटरडे की, सैटरडे डबल जंप गारंटीड ऑन कार्ड्स है, 4.5 करोड़ पकड़ के चलो, संडे मैक्स टू मैक्स 6 करोड़ पकड़ के चलो, या आराम से कहीं ना कहीं 202 करोड़ के ऊपर जाके संडे तक, यानी कि 17th डे पर मिशन मंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, उसके बाद इसकी जर्नी शुरू होगी टू रीच द हिट पॉइंट एट 220 करोड़। बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे को कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसको हिट डिक्लेयर कर दिया है, तो गाइस बॉक्स ऑफिस इंडिया ट्रेड नहीं है, कोई वेबसाइट, सिर्फ एक वेबसाइट है जो यूसरो के स्पॉन्सरशिप पर चलती है। अगर आपको बॉक्स ऑफिस इंडिया पे विश्वास करना है तो मैं आपको 5 और वेबसाइट बता सकता हूं जहां पर हाउसफुल 4 का टोटल है वो 166 करोड़ है, कोई वेबसाइट पे 155 करोड़ है, तो 170 करोड़ है। तो ये बोल के मत चलना कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दे दिया है, मैं आपको 5 वेबसाइट्स दिखा दूंगा जहां पर टोटल 187.93 नहीं है, टोटल इसका 166 और 155 है। इसलिए बोल रहा हूं डोंट बिलीव एनी वेबसाइट, जो हिसाब से है, जो इज्जत में है, ब्रेक इवन अचीव कर लिया है पिक्चर ने, पिक्चर प्रॉफिट में जा रही है, 220 करोड़ पे क्लीन हिट हो जाएगी, बिंदास हिट लेने का ऐसा
आधा पाधा हिट नहीं, बिंदास हिट लेने का 220 करोड़ पर। ओके गाइस, एपिसोड पसंद है पीछे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिलहाल गाना आने वाला है, आई एम सुपर एक्साइट, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मेरे को वो गाना क्लिक हो गया है मेरे को, आई एम जस्ट लविंग दैट ट्यून। तो कल वो गाने आने वाला है, मैं किसी और कहूँ फिलहाल, ओ तो कल मैं उसका रिव्यू करूँगा। तब तक एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।